जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये लाइन देखो मेरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन हमारी हो गई है। अभी हम इसको जॉइन करने वाले हैं, तो मैं ये आपको बताती हूँ किस तरह मैंने कलर चेंज कर ली हूँ। देखिए 1 2 और 3, जैसे चेन स्टिच हम हमेशा लेते 3, वैसे ही लेंगे। फिर वर्क को टर्न करेंगे हमारे, और उसके बाद में हमको ये एक भी स्किप नहीं करना है। ये देखिए जैसे हम लोग करते आए वैसे ही इसके बैक लुक से मैं लूँगी। देखिए वैसे ही डबल क्रोशिया जैसे हमेशा लेते आई हूँ। देखिए ये बैक लूप से, इसी तरह से बैक लूप लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाए थे और एक चेन स्टिच में से 5 चेन स्टिच लिए थे। देखिए मैं अभी इसके करीब आ चुकी हूँ। जो 5 स्टिचेस हमने लिए थे, मैंने यहाँ पर स्टिच मार्कर नहीं लगाया, निकाल दिया था, लेकिन आपको लगाना चाहिए नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर जब मिडल में आऊँगी जहाँ पर स्टिच मार्कर लगाते हैं, तो मैं इसको जॉइन करूँगी। देखिए यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया लूँगी, उसके बाद भी मैं डबल क्रोशिया लूँगी। अभी देखिए मिडल पे मैं आ गई हूँ, तो मैं क्या करूँगी अभी यहाँ से, ये जो हमारा दूसरा मिडल है, ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर नहीं लगाई हुई हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने एक चेन स्टिच में से 5 चेन स्टिच ली थी, ये पूरा मैं स्किप करूँगी। और यहाँ पर जो सेकंड आता है जहाँ पर एक चेन स्टिच में से मैंने 5 डबल क्रोशिया ली थी, इसके मिडल में मैं बराबर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने टर्न करी और इसके मिडल में मैं जाऊंगी और बैक लुक में से ही देखिए इस तरीके से इसको मैं जॉइन कर लूँगी। देखिए ये यहाँ पर जॉइंट हो गया। इसके बाद सेम वैसे ही मुझे करना है, बैक लुक में से डबल क्रोशिया लेना है। देखिए सेम ऐसे कुछ भी फ़र्क नहीं, जिस तरह से मैं कर रही थी उस तरह से, सिर्फ बीच में हमको स्किप करना है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर अभी हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया लेते हुए पूरा करना है जहाँ तक हम नेक्स्ट यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। ये देखिए जब हमारा आएगा ना एक चेन स्टिच में से 5 डबल क्रोशिया, यहाँ तक हमको डबल क्रोशिया ही करते करते आना चाहिए। ये हमारी बैक साइड है, ये पूरी हमको ऐसे ही करनी है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको मिलती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, ये जो हमारी 5 स्टिचेस है उस तक। तो अभी यहाँ पर कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से तो पूरा मैंने डबल क्रोशिया ही लिया, आपको बताई थी मैंने, बैक साइड आई थी तो पूरी वहाँ से मैंने डबल क्रोशिया ली हूँ। यहाँ पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया लिए एक साथ में, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी इसको फिर से जैसे लास्ट टाइम हमने जॉइन किए थे यहाँ पर। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर जॉइन किए थे ऐसे ही हमको अभी यहाँ पर भी जॉइन करना है। मैं मिडल में आ गई अभी इसके, अब मैं इसको टर्न करके लूँगी। और ये देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट 5 डबल क्रोशिया है इसके मिडल में मैं जाऊंगी। देखिए यहाँ पर बैक लूप में, और मैं इसको डबल क्रोशिया पूरा करूँगी। देखिए ये यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया। इसके बाद में फिर मेरे को पूरा एंड तक यही करना है डबल क्रोशिया, ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था। देखिए फुल बैक लूप से ही, ये देखिए ये देखिए ऐसे जॉइन किया हमने।
अभी ये जो पूरी लाइन है ये मैं ऐसे ही यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। देखिए मैं एंड तक आ गई हूँ, तो आपको एंड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी लास्ट लाइन होती है उसमें एक दो तीन तीसरी चेन में आपको डालना है। अगर आप ये भूल गए तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा, स्टिचेस कम होते रहेंगे। ये देखिए ये ऐसी लाइन नहीं आएगी, प्रॉपर कम होती जाएगी। इसके लिए इसमें से तीन लेके आपको बराबर करना है। अभी देखिए मैंने इसमें तीन चेन लूँगी, मैं ये सेम ही कलर इसके आगे लगा रही हूँ और इसको मैं टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद में जैसे हमने इस लाइन में किया था वैसे ही हमको करना है। अभी हमको ये लाइन रिपीट नहीं करनी है, ये हमारे योग तक की ही डिज़ाइन थी, इसके बाद हमको पूरा प्लेन ही बनाना है। तो देखिए अब मैंने टर्न करके ली और पहले मैं इस स्टिच में डालूँगी वही सेम बैक लूप में। ये देखिए ऐसे फिर डबल क्रोशिया बैक लूप में। अभी एक भी स्किप नहीं करनी है हमको इसके बाद में, और हमको ऐसी ही इसके आगे नौ रो बनानी है, नाइन रो सेम हाँ ऐसे ही बनानी है। अभी हमको कहीं भी फाइव डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही जाना है हमको, वन सिंगल क्रोशिया फुल लाइन, बिल्कुल भी कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है इसके अंदर। प्रॉपर लाइन आपको ऐसी ही बनानी है, हर बैक लूप में से आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, और आप तक आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस में मैं नंबर नहीं डाल रही हूँ, मेरा मोबाइल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं नंबर्स नहीं डाली हूँ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये पैटर्न शुरू से देख सकते हैं प्रॉपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ अच्छे से कमेंट भी कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे कर सकूं। इसके बाद मैं आपको इसमें तो और बाकी है, स्लीव्स वगैरह बताना भी आपको बाकी है, हुडी बताना बाकी है, फिर मैं इसके आगे आपको इसके पैंट्स, उसके बाद में सॉक्स, उसके बाद में शूज़, इंशाल्लाह सब कुछ पूरा सेट बताऊंगी मैं आपको। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो आप ये पूरा स्वेटर कैसे बनाते हैं आप देख सकते हो और ट्राई ज़रूर करना, अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे सेंड भी करना ताकि मैं देख सकूं आपका पैटर्न कैसे बना है। तो देखिए ये सेम लाइन आपको करनी है ऐसे ही, सिर्फ डबल क्रोशिया आपको बनाते जाना है। देखिए जैसी ये लाइन हमने की है वैसी ही ये लाइन करनी है, और इसको हमको लेंथ को बढ़ाना है। अभी आप समझ गए होंगे कि ये कैसा बना है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखिए ये उल्टा है, ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर जॉइंट की है यहाँ से हमारी स्लीव्स बनेगी, ये हमारा ये कांधा हमारा हो गया है और ये हमारी स्लीव्स हो गई है और ये हमारी बॉडी तैयार हो गई है, ऊपर का योग बोलते हैं हम इसको। और इसके नीचे जो आएगी लाइंस वो हमारा नीचे का स्वेटर रहेगा, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको कितना बड़ा है चाहे, तो अगर आपके पास बच्चा है तो आप मेजरमेंट लेके भी ले सकते हैं, मैं तो एक अंदाजे से बना रही हूँ। तो मुझे लगता है मुझे इसके बाद नाइन लाइंस बनानी चाहिए सेम ऐसे, सिर्फ सिंगल क्रोशिया आपको बनाना है। जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से आपको थ्री चेन्स लेनी है, फिर इसको रिटर्न आना है। इस तरह से आपको ये पूरा पैटर्न मुकम्मल करना है, उसके बाद में मैं आपको स्लीव्स का बताऊँगी। तो ये जब मेरी पूरी नाइन रो कंप्लीट होती है उसके बाद में आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक बहुत सारी दुआएं कीजिए मेरे लिए, दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सारी दुआएं कीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।